जी हाँ, आईडीमैन ऑफ द टॉयलेट। पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं छोटा सा, आईडीमैन यूज करें या टॉयलेट आप यूज करें, डाउनलोडिंग आपकी इलीगल है। आप इसका आर्ट डाउनलोड करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कोई मूवी डाउनलोड करते हैं, ये सब इलीगल है और मैं डाउनलोडिंग बढ़ावा नहीं दूं। फिर मैं आपको ये बता दूं कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज करना चाहिए और दोनों में डिफरेंस क्या है, ज्यादा अच्छा कौन सा है, खराब कौन सा है, क्या कौन सा है, क्यों कौन सा है, ये बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा सुना होगा मार्केट में दो ही सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, आईडीमैन और यूटोरेंट। आईडीमैन को मोस्टली लोग कहते हैं काफी ज्यादा स्पीड है, काफी ज्यादा तेज है और आईडीमैन सारे सिस्टम से स्पीड खींच लेता है, बहुत ज्यादा स्पीड दे देता है ये प्लान धमाका। तो मैं बताऊं तो ऐसा नहीं है, आईडीमैन की स्पीड तेज इसलिए लगती है कि आईडीमैन कोई भी किसी भी प्रोडक्ट को या मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी आर्ट का हो, मतलब कुछ भी हो, तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। वो एक बार पूरा डाउनलोड नहीं करता, जैसे 100 MB की फाइल है तो 50 MB अलग डाउन करेगा, 50 MB और अलग डाउन करेगा, 50 MB और भी छोटा छोटा 10 MB करके 10 फाइल बना देगा। फिर उसको डाउनलोड के बाद वो एक साथ अटैच करता है, फिर वो कंप्लीट करता है। और टॉरेंट क्या करता है, एक साथ सब डाउनलोड करता है और आपको एक कंप्लीट रॉ फाइल में दे देता है। बस यही डिफरेंस शुरू होता है। इस वजह से कई बार आईडीमैन से आपको डाउनलोड करते हैं वो रेयर होता है, मगर वो फाइल कई बार होता है करप्ट हो जाए, क्योंकि कई बार होते हैं सही से कंप्रेस नहीं हो पाती, सही से फिर रीअटैच नहीं हो पाती, इस वजह से कई बार फाइल करप्ट हो जाती। मगर टॉरेंट के साथ ऐसा चीज बहुत कम, आईडीमैन के कंपेयर में कम से 99% और कम चांसेस हैं कि टॉरेंट में ऐसा हो। टॉरेंट हमेशा बेस्ड करता है आपके बड़े सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, बड़े मूवीज हैं या कोई भी मूवीज, तो चलिए आप आईडीमैन यूज है, मैं सॉफ्टवेयर के बेसिस में हमेशा टॉरेंट यूज करके, ये टॉरेंट ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू आईडीमैन। मैं फिर मैं ये बोलूँ किसी का आर्टवर्क या चोरी ना करो, उनसे डायरेक्ट आप परचेज कर लो। देखो कोई क्यों बनाता है, कुछ अर्न करने के लिए, आप क्यों ऑफिस जाते हो अर्न करने के लिए, तो उसको भी अर्न करने दो ना, क्यों उसकी मतलब चीजें चोरी करना। आप किसी कोई चीज को डाउनलोड आपको नहीं लगता कि आप चोरी कर रहे हो, मगर हाँ वो चोरी है, तो इसीलिए प्लीज आप लोग वो ना करें। और मैं खुद करता हूँ, आई भी फिर बोलूंगा आपको पैसा से पहले कहें तुम नहीं करते हो काम, हम करते हैं, मैं रियलाइज करता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं क्या करें, वही प्रॉब्लम जो आपके साथ है वही मेरे साथ है, या इतने पेंटी ऑफ मनी नहीं है कि हम लोग हर जगह उसको दे पाए, हर चीज खरीद पाए, इतना नहीं है यार, इसीलिए हम लोग करते हैं। मैं ये दो सॉफ्टवेयर में बस यही फर्क है। और नो डाउट आपका आईडीमैन बहुत फास्ट है एज कम्पेयर टू बहुत फास्ट है, 1 to 2% टॉरेंट से आईडीमैन फास्ट है, बिकॉज जो ब्रेक करके डाउनलोड करता है तो इसलिए और ज्यादा स्पीड मिल जाती है आईडीमैन को कोई भी चीज डाउनलोड करने के लिए एज कम्पेयर टू टॉरेंट। और टॉरेंट आपके सर्वर बहुत स्लो भी बनाता है, टॉरेंट आप जैसे डाउनलोड करें और पीसी का ऐसा सिस्टम कनेक्टेड है तो टॉरेंट स्लो कर देगा, आपको भी स्पीड नहीं देगा। मैं आईडीमैन तो बाकी सिस्टम को तो स्लो कर ही देते हैं, बाकी सिस्टम से एनर्जी खींचेगा लेकिन आपके सिस्टम ज्यादा पावर देगा, मगर वो स्पीड भी उतनी आपको प्रोवाइड करता है। तो स्पीड के मामले में आप कंपेयर करें, आपको मूवी डाउनलोड करनी है, कोई आर्टवर्क डाउनलोड करें तो आप टॉरेंट पे जाइए, मगर सॉरी आप आईडीमैन यूज करिए, मगर आप कोई बड़े सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने फोटोशॉप मतलब कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें तो आप सिंपली जाइए आईडीमैन पे, नहीं टॉरेंट पे। तो इस पे बार कंफ्यूज हो जाता है, सॉफ्टवेयर्स टॉरेंट, बड़े मूवीज मतलब मूवीज हो गया, आर्टवर्क हो गया, कुछ भी हो गया, आईडीमैन, बस यही दोनों का डिफरेंस है। और दोनों अच्छे हैं, आईडीमैन पेड है और टॉरेंट मोस्टली फ्री में जाता है, मोस्टली पेड वर्जन है टॉरेंट के भी, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। आईडीमैन 3 मंथ के सॉरी 30 डेज के लिए ट्रायल फ्री है और टॉरेंट आप लाइफ टाइम फ्री यूज कर सकते हैं, कुछ उसके वर्जन है, तो बस यही दोनों डिफरेंस है। और डाउनलोडिंग बढ़ावा ना दें फ्री डाउनलोडिंग, अब पे डाउनलोड करें तो कोई चिंता नहीं। बस इतनी थी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बी ट्यून्ड।